चलिए इसी के साथ रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर, बिलावल भुट्टो के बयान का देश भर में विरोध हो रहा है। यूपी के लखनऊ में भी कार्यकर्ताओं का विरोध, बीजेपी देश भर में कर रही विरोध प्रदर्शन। पाक विदेश मंत्री ने मोदी पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी, कल पाक दूतावास के बाहर भी किया था प्रदर्शन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। अविनाश, बिलावल भुट्टो के बयान का देश भर में विरोध हो रहा है और देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी इसका खासा विरोध हो रहा है। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो जो कि विदेश मंत्री है उसको लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तमाम महिला विंग लोग यहाँ पर मौजूद है जो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पर लोग है उनसे जानेंगे मैडम जिस तरीके से ये आपत्तिजनक बयान पाकिस्तान की तरफ से आया है क्या कहेंगे? हम अपने प्रधानमंत्री का अपमान नहीं करेंगे और वो देश की सेवक का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने जनता का भरपूर प्यार मिला है। और ये हमारे पाकिस्तान हमेशा मुर्दाबाद है और रहेगा। और मैडम किस तरीके से जो बयान दिया है कैसे देखती थे? प्रधानमंत्री हमारा देश का मान है, अभिमान है और हम अपने देश के मान को कभी नहीं छुपने देंगे। किसी देश की हिम्मत नहीं है कि हमारे देश का अपमान करे और उस विरोध में आज हम सब लोग यहाँ सम्मिलित हुए। जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कह रही है। जी बिल्कुल, काफी ज्यादा संख्या में लोगों को यहाँ देखा जा सकता है, महिलाएं भी यहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और साथ ही पुरुष भी। तो आप वहाँ पे व्यवस्था का क्या इंतजाम है, क्योंकि आप ये विरोध प्रदर्शन तो बहुत ज्यादा हो गया है क्योंकि जमकर विरोध किया जा रहा है, तो पुलिस भी वहाँ पर हमें तैनात दिख रही है। जिस तरीके से लगातार पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है, यहाँ पर डीसीपी सेंट्रल से लगा के खुद कमिश्नर यहाँ पर उस पूरे की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तमाम पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, किसी हजारों की संख्या में यहाँ पर कुछ ही देर पहले जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर जो जिस तरीके से भुट्टो ने बयान दिया था उस पर कड़ी जोर जता रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है संजय जी, इस तरीके से लगातार पाकिस्तान इस तरीके से गीदड़ भक्ति बयान दे रहा है तो कैसे देखते हैं? भारत के प्रधानमंत्री के लिए जो अपशब्द कहे गए हैं उसको देश का व्यापारी, देश के नागरिक, देश की जनता, देश का बच्चा बच्चा कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। सभी लोग बहुत आक्रोशित हैं, पाकिस्तान को ये शब्द बहुत महंगे पड़ेंगे। पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है कि भारत के लिए कुछ भी बोले। और प्रधानमंत्री जी केवल देश के नेता नहीं पूरे विश्व के नेता है। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल और संकल्प लेता है कि पाकिस्तान के साथ हम लोग कोई व्यापार नहीं करेंगे, चाइना के साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे, इनको आर्थिक जोर देने का काम करेंगे। पाकिस्तान वैसे भी कुछ नहीं है, पाकिस्तान को यह टिप्पणी बहुत महंगी पड़ेगी, उसको तुरंत पाकिस्तान को माफी मांगनी चाहिए। क्या लगता है सबक सिखाने की जरूरत है? पाकिस्तान को पहले भी हम लोग कई बार सबक सिखा चुके हैं, हमारे देश की सैन्य सबक सिखा चुकी है और फिर उसको लगता है कि समय बीत जाता तो उसको फिर से खुशी होने लगती है, तो उससे खुशी मिटाने की आवश्यकता है और भारत की इच्छा पूरी कर देगा। यही कहना है एक बार फिर जो है पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है। जी बिल्कुल, जय जय श्री राम के भी नारे हमें सुनाई दे रहे हैं वहां से। मतलब अब ये विरोध कब तक चलेगा और ये कब से शुरू हुआ है यहाँ पर? देखिए आपको बताएं, इस पूरे आपत्तिजनक बयान के बाद पूरे देश में और प्रदेश में आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी जो है जिला व्यापक जो है तमाम जो अपने जनपद है वहां पर अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अभी कुछ ही देर पहले यहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है प्रिंस चौधरी भी यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने पुतला दिन करके पूरी जो है नाराजगी यहां पर जाहिर कराई है। साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता थे यहां पर पहुंचे थे कुछ ही देर पहले यहां पर जो है। जी जी, तो तमाम नेता भी यहाँ पर है, उनकी मौजूदगी थी और अब ये विरोध प्रदर्शन जारी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ग्राउंड लेवल से हमारे संवाददाता अविनाश को अभी हमने आपको दिखाया जहाँ लखनऊ में भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है, गुस्सा है प्रधानमंत्री के खिलाफ जो बयान दिया था उस पर देश भर में विरोध किया जा रहा है। और लखनऊ से हमने आपको तस्वीरें दिखाई, लखनऊ की ये तस्वीरें हैं जहां पर
विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रधानमंत्री के खिलाफ जो बयान उन्होंने दिया था,